लापता लेडीज नमस्कार। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। मध्य प्रदेश में लापता महिलाओं और लड़कियों को लेकर एक बेहद ही चौंकाने वाला डेटा सामने आया है, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में हर दिन 28 महिलाएं और 3 बच्चियां लापता हो रही है। जुलाई 2021 से 31 मई 2024 के बीच प्रदेश में आधी आबादी से 31,801 गुमशुदा हो गए हैं, जिसमें से 28,857 महिलाएं हैं और 2,944 लड़कियां हैं। और मध्य प्रदेश में आधी आबादी को लेकर सामने आया ये आंकड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि महिलाओं की गुमशुदगी के केवल 724 केसेस दर्ज हुए हैं, जो कि कुल मामलों का केवल 3% ही है। और सबसे चौंकाने वाला मामला उज्जैन से निकलकर सामने आया, जहां पे पिछले 34 महीनों में एक भी गुमशुदगी का केस दर्ज नहीं किया गया है, जबकि इसी अवधि में 676 महिलाएं गायब हुई हैं। आंकड़ों के मुताबिक सागर जिले में सबसे ज्यादा 245 बच्चियां और इंदौर में सबसे ज्यादा 2384 महिलाएं गायब है। तो वहीं ग्वालियर में भी 214 महिलाएं पिछले एक महीने से ज्यादा समय से लापता है, लेकिन इसके बाद से पुलिस ने सिर्फ 3 मामले ही दर्ज किए हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले के बाद एनडीटीवी मध्य प्रदेश के बड़े सवाल, आखिर पुलिस क्या कर रही है मध्य प्रदेश की, देखिए, क्योंकि सवालों के घेरे में पुलिस है, पुलिसिया सिस्टम है, हजारों महिलाएं लापता गायब है, लापता है, और पुलिस क्या कर रही है, आखिर रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं किए जा रहे हैं गुमशुदगी के, क्या पुलिस थाने जाने से डरती है महिलाएं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और साथ ही महिलाएं थाने के नाम पर सिर्फ मजाक बन के रह गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे तमाम दावे किए जाते हैं, घटना के बावजूद केस दर्ज क्यों नहीं हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या कर रही है मध्य प्रदेश की पुलिस, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं, महिला पुलिस स्टेशन अलग से खोला गया है, महिलाओं के लिए आधी आबादी की सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर तमाम दावे खोखले हैं। क्या पुलिस थाने जाने से डरती है महिलाएं, ये भी बड़ा सवाल है। और महिला थाने के नाम पर सिर्फ मजाक क्यों बनकर रह गया है, क्योंकि महिला के लिए, उनकी सहूलियत के लिए महिला पुलिस स्टेशन जगह जगह पर खोले गए हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं गायब है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही एलीट मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। नेहा बग्गा बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, और रोशनी यादव कांग्रेस की तरफ से, और साथ ही डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव फॉर्मर डीजी है, मध्य प्रदेश पुलिस में सेवाएं दे चुके हैं, पुलिसिया सिस्टम को बखूबी समझते हैं, और साथ ही मीता वाधवा सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सभी मेहमानों का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग सर, मध्य प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार लाडलियों की पूजने की सरकार है, और यहाँ पर जिस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं सवालों के घेरे में, पुलिसिया सिस्टम, और साथ ही उज्जैन से तो बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, यहाँ पे रिपोर्ट ही दर्ज नहीं किया है। देखिए दीपिका, अगर आप संसद में पेश आंकड़े देखो तो ये और भी चौंकाने वाले थे। 2023 में जो अजय मिश्र टेनी ने जब जवाब दिया था, तो उसमें बताया गया था कि पूरे देश भर से 2019 से लेकर 2021 तक के 2 साल में लगभग 13 लाख महिलाएं गुमशुदा हुई थी, महिलाएं और बच्चियों की संख्या जोड़कर बता रहा हूं, और उसमें भी अव्वल नंबर पर मध्य प्रदेश था, जहां 2 लाख महिलाएं और बच्चियां 2 साल में गायब हुई थीं। अब ये मध्य प्रदेश सरकार का आंकड़ा है जो कल ही सदन में पेश हुआ है, और जवाब चूंकि गृह मंत्रालय डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री उनके पास ही है, तो उन्होंने ही बताया है, उनके विभाग ने ही बताया है कि मध्य प्रदेश में पिछले 2021 से लेकर अब तक, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने सवाल पूछा था, 31,000 के आसपास लड़कियां और महिलाएं गुमशुदा हैं। अब कानूनी पेचीदगी तो चूंकि हमारे पैनल में बहुत जानकार लोग बैठे हैं तो बताएंगे ही, लेकिन कई बार होता है कि 24 घंटों तक तो ये माना जाता है कि कहीं गया है, बाहर लौट करके आ जाएगा, और इसलिए वो पेचीदगियां रहती हैं मामला दर्ज होने में। लेकिन अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि आखिरकार आधी आबादी से रोज अगर 28 जने गायब हो रहे हैं तो जा कहां रहे हैं, और कई जिलों में हमने देखा है कि पुलिस ने कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया है, ये भी अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाला मामला है। बिल्कुल, और क्योंकि सबसे पहला सवाल नेहा बग्गा आप ही से, क्योंकि आपकी सरकार है,
और आधी आबादी यहाँ पे खूब भर भर के प्यार आप लोगों के ऊपर लुटाती है, और आप लोग भी दावे करते हैं लाडलियों के पूजने को लेकर, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज आप लोग महिलाओं को लेकर लेकर आते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम मामले में पूरी तरीके से फेल। किसका फेलियर आप मानती हैं? देखिए दीपिका जी, विषय जो है वो गंभीर है, और एक भी महिला या एक भी बच्ची या एक भी व्यक्ति अगर कहीं पर गायब होता है तो वो चिंताजनक है, और इसीलिए इसके लिए चार मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें स्पेसिफिक स्टेप्स मॉनिटरिंग के लिए, स्पेसिफिक स्टेप्स टू फाइंड आउट कि ये जो मिसिंग है वो कहाँ पर है, स्पेसिफिक स्टेप्स टू रेस्क्यू, और चौथा है इनका रिहैबिलिटेशन। तो सरकार ने इन चारों ही कदम पर गंभीरता से कदम सदैव उठाए हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि लगभग 7,600 जो बालिकाएं थी उनको सकुशल अपने माता पिता के पास पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने, पुलिस ने किया है। जिस पुलिसिया सिस्टम पर हम प्रश्न उठा रहे हैं वे लगातार 24 घंटे जनता की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि लगभग 950 महिला ऊर्जा डेस्क जो है वो सरकार ने स्थापित किए हैं। प्रत्येक जिले में आपको महिला थाना दिखाई देता है। इसके बहुत सारे स्पेसिफिक कारण हो सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली मीता जी भी यहाँ पर हैं, और अनुराग जी भी इसको बहुत विस्तार से बता रहे थे। कई बार जो लोग मिसिंग होते हैं इसके लिए सबसे पहला तो प्राथमिक ही आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता होती है कि वो अपने घर से गायब हुए, अगर कोई बच्चा है नाबालिग है तो क्या वो प्लेग्राउंड से गायब हो गया, अगर कोई बच्ची है क्या वो स्कूल के परिसर से गायब हो गई। कई बार कुछ और भी एंगेजमेंट्स दिखाई देते हैं, और कई ट्रैफिक्स भी होते हैं, कई बार ट्रैफिकिंग के शिकार भी हो जाते हैं ये लोग। तो विभिन्न सारे उसके जो सेक्शन है उस पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है, और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जो मैंने चारों स्टेप्स कहे, चाहे वो रेस्क्यू करने की बात हो, चाहे मॉनिटरिंग की बात हो, चाहे उनको ढूंढने की बात हो या रिहैबिलिटेशन की बात हो, सरकार इन चारों आयामों पर बहुत विशेष तरीके से ध्यानपूर्वक काम कर रही है। पर हाँ, निश्चित तौर पर अगर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी गायब होता है तो वो गंभीर है, और लगातार उस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। और बेशक यहाँ पे सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पूरे काम कर रही है, लेकिन ये आंकड़े एक तरीके से कलंक है मध्य प्रदेश पर। और रोशनी जी, जिस तरीके से नेहा बग्गा जी ने कहा कि चार बिंदुओं पर उनकी सरकार शासन प्रशासन काम कर रही है, और ये मामला बेहद ही संवेदनशील है, सरकार के कामकाज को इस पूरे मामले में आप कैसे देखती हैं? दीपिका जी, सभी पैनलिस्ट और आपको सभी को नमस्कार। देखिए, ये मध्य प्रदेश, जहां तक मैं जानती हूँ, सभी जानते होंगे कि देश में मध्य प्रदेश दिल कहा जाने वाला है, और आज अगर इस दिल में बार बार छेद कर दिए जाएं तो ये बहुत ही शर्मनाक एक दृश्य दिखाई देता है। और आज ये आंकड़े जब बाला बच्चन जी के द्वारा सवाल पूछा गया तब ये आंकड़े सामने आते हैं, अदरवाइज तो किसी को पता ही नहीं चलता। आप देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, और वही जो है बड़ा दिल पे कहते हैं कि भार रख करके गृह मंत्रालय को भी संभाल रहे हैं, लेकिन वो उचित रूप से संभाल नहीं पा रहे हैं। उज्जैन में ऐसा एक भी मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है, जबकि औपचारिक रूप से ये बताया जाता है कि वहां पे अभी फिलहाल में कम 13 मामले सामने आए हैं गुमसुदगी के। और लगातार आप देखें, इंदौर और इंदौर ग्रामीण को मिलाकर 2000 से 3000 के आसपास मामले बताए जा रहे हैं, जिसमें 500 के करीब बेटियां हैं और 2000 प्लस महिलाएं हैं। तो ये जो आंकड़ा हर जिले में नजर आता है, चाहे वो सागर की बात कर लें, भोपाल की बात कर लें, भोपाल से अभी 2 बेटियां यहाँ से तस्करी के रूप में चली जाती है। तो क्या मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है और जो सरकार है वो सोई हुई है? और कब तक ये कुंभकर्ण की नींद में सोते रहेंगे, कब जागेंगे? आज लगातार इसी मध्य प्रदेश में बेटियों के बलात्कार का, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए, हर दिन 3 बेटियों का बलात्कार होता है। चूंकि दीपिका जी आपने खुद ही बताया कि हर दिन 28 महिलाओं का अपहरण होता है, उसमें 3 हमारी देश की बेटियां होती है, हमारे देश प्रदेश का गौरव होता है। तो ये कितने शर्मसार करने वाले आंकड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले दलित अत्याचार पे एक लंबा जो है ब्यौरा दिया गया था। आप देखें कि दलित अत्याचार में और सबसे पहले नंबर पे मध्य प्रदेश आता है,
कैसा जो है, मैं मेरे प्रदेश प्रवक्ता जो है बीजेपी की प्रवक्ता मेरी बहन को पूछना चाहती हूँ कि अभी तक आपका प्रशासन और आपके सरकार के गृह मंत्री अगर इसी तरह से मौन होकर के बैठे रहेंगे तो मुझे लगता है कि अगर देश की पद्धति को नहीं संभाला जा रहा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कब तक अगर इंतजार करेंगे। यही इस देश में प्रज्वल रवन्ना जैसा मामला आता है और हद तो तब होती है जब इन्हीं के एक आईटी सेल, आप बनारस में देखें किस अब तरीके बिल्कुल से अब बिल्कुल रोशनी जी, मैं लौटूंगी आपके पास, और भी मेहमान हैं, सभी को बराबर समय देना है। डॉक्टर शैलेंद्र, आप तो पुलिसिया सिस्टम को बखूबी समझते हैं, चुनाव के समय में हम देखते हैं तमाम पार्टी जो है महिलाओं की सुरक्षा के तमाम दावे करते हैं, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं पुलिसिया सिस्टम पर भी। जी पहली चीज तो मुझे कहना चाहिए कि जो मुझे बोलना था वो नेहा जी ने सब कुछ बोल दिया है, सरकार जो कर रही है, पुलिस जो कर रही है। मैं एक प्रश्न आपसे और सभी पैनलिस्ट से पूछना चाहूंगा, मैं 35 साल पुलिस में रहा हूं, पार्टी छोड़ दीजिए, किसकी सरकार है छोड़ दीजिए, कौन किस पद पे है उसको छोड़ दीजिए, क्या हमने कभी सुना है कि मध्य प्रदेश में अपराध देश में सबसे कम है या देश में सबसे ज्यादा नहीं है? उसका एक कारण है, इसकी गहराई में जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक व्यवस्था है, वर्किंग नहीं है। मध्य प्रदेश में अपराध पंजीबद्ध होते हैं, सरकार सेंसिटिव होती है, पॉलिटिकल पार्टी सेंसिटिव है, यहाँ की प्रेस सेंसिटिव है, यहाँ के लोग सेंसिटिव हैं, यहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो सेंसिटिव हैं। गुम इंसान एक व्यवस्था अंग्रेजों के समय से दी गई थी, जो हमारे संविधान में हमारे जो कानून थे उनमें है, वर्तमान में भी व्यवस्था गुम इंसान, क्योंकि हर व्यक्ति गुम होता है, कोई घर से अपने रूट के चला जाए तो अपराध नहीं होता है, वो गुम हो जाता है, और उसकी एक व्यवस्था है, उसका एक गुम इंसान कायम होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। दुर्भाग्य है जो आप कहते हो कि इतने मिल गए इतने नहीं मिले, उसका सिर्फ ये है कि जब व्यक्ति घर आ जाता है तो कोई पुलिस में नोट कराने नहीं जाता है, वो एक टाइम बाउंड तरीके से वो केस का निराकरण हो जाता है। अगर नहीं आता है तो इतना ह्यू एंड क्राई होता है। मध्य प्रदेश की प्रेस बहुत विजिलेंट है, हमारे अनुराग द्वारी साहब हैं, ये मैं आईजी रहा हूँ यहाँ पे, कई पदों पे रहा हूँ, दूसरे लोग रहे हैं, ये सोने नहीं देते हमको रात भर, ये हमको फोन करते रोज सवेरे, सर वो केस हो गया है क्या करना है, आईजी को नहीं सोने देंगे, एसपी को नहीं सोने देंगे, यहाँ की जो मैडम लोग बैठी हुई हैं, एक्टिविस्ट हैं, ये इतना ह्यू एंड क्राई एक अच्छी चीज है, संवेदनशीलता। लेकिन हाँ, मैं आप दोनों जो हमारे रिस्पेक्टेड वीमेन पैनलिस्ट हैं आपके लिए कि एक भी केस हो तो हमें उसको सेंसिटिव होना चाहिए, हमें नंबर पे नहीं जाना चाहिए, एक भी केस अनरिजॉल्व नहीं जाना चाहिए, एक भी केस ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कॉग्निजेंस ना ली जाए, तो कॉग्निजेंस ली जा रही है, नंबर इसलिए ज्यादा होता है। कभी भी स्टेटिस्टिक्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वहां पर अगर किसी का मर्डर हो जाता तो मैंने देखा कि एएसआई स्पॉट पे जाता था, मैं खुद एसपी रहा हूं और अगर बॉर्डर पे मर्डर होता था तो मैं खुद जाता था एज एसपी, जबकि वहां से एक एएसआई और हेड कांस्टेबल आता था। तो हर प्रदेश की अपनी अपनी व्यवस्था होती है, ये नहीं है कि वो खराब है, ये नहीं है कि वो ज्यादा कॉम्पिटेंट है, उनका हेड कांस्टेबल हमारे एसपी से ज्यादा कॉम्पिटेंट है, एक सेंसिटिविटी एक व्यवस्था होती है। मध्य प्रदेश में एक जन सुनवाई की व्यवस्था है, सभी सीनियर ऑफिसर अपने कमरे में बैठते हैं, ऑफिस के चेंबर में बैठते हैं, लोग आते हैं, फ्रीली अपनी बात करते हैं, एक तरफ जनप्रतिनिधि बैठते हैं, जो भी सामाजिक संगठन है उनके लोग बैठते हैं, प्रेस के लोग बैठते हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, और मध्य प्रदेश में वर्किंग बहुत ही कठिन हो गई है, इसलिए जो भी सेंसिटिव केसेस होते हैं उनकी कॉग्निजेंस होती है। जी जी मीता जी, तमाम कोशिशें की जाती हैं, जिस तरीके से डॉक्टर शैलेंद्र जी ने कहा कि प्रेस एक्टिव है, आप लोग भी सोशल एक्टिविस्ट पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं, इसके बावजूद ये स्टिग्मा क्यों नहीं हटता है मध्य प्रदेश से? जिस तरीके से हम लोग एक्टिव हैं, अगर उसी तरीके से जिस तरीके से सीनियर ऑफिसर्स एक्टिव हैं, जिस तरीके से मीडिया एक्टिव है, उसी तरीके से जिस दिन सिस्टम एक्टिव हो जाएगा उस दिन ये इस टाइप के कोई भी काम है उसके डेटा इतने हाई नहीं रहेंगे। जैसे कि अभी सर ने बताया कि गुम जाते हैं, चले जाते हैं, रूठ जाते हैं बच्चे, वो वापस आते हैं, बताया नहीं जाता, ये बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, पर इसके कारण हम टॉप नहीं कर सकते इस फील्ड में कभी भी, क्योंकि क्राइम में जिस तरीके से हम बेइंतहा टॉप होते जा रहे हैं, इसी से समझ में आता है कि ऊपर से रूल्स बन रहे हैं उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन नीचे जो सिस्टम है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। एक अगर आज एक मैं एक
ऑर्डिनरी फीमेल पुलिस स्टेशन जाती हूँ, आप गांव की बात छोड़ दीजिए, और अगर मैं कंप्लेन दर्ज करती हूँ कि फलानी प्रॉब्लम हो गई है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझने के बदले भाग गई होगी किसी के साथ, चली गई होगी किसी के साथ। ये एफआईआर होने से लेके ये बातें ही 3-4 दिन ले लेती हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो या तो बच्चा जो कि जनरली भागा है वापस आना चाहता है, उसको लाने का प्रयास नहीं हो पा रहा है, और ये जो ये इसमें सिस्टम को साथ आना है, हमारे एक्टिव होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिस्टम एक्टिव हो, सिस्टम प्रोएक्टिव हो। अब तो हम टॉप कर रहे हैं हर चीज़ में, अभी भी अगर प्रोएक्टिवली हम सिस्टम का सपोर्ट नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कानून जिनके हाथ में, बस हमें उनको लेके चलना है। और नो डाउट, हम हमेशा गलत ही क्यों बोले, अच्छे काम भी हुए हैं, तो इसका मतलब सिस्टम में लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, उनकी तादाद बढ़ाएं या उनको ऐसा कुछ इंसेंटिवाइज कराएं कि वो प्रेशर में ना आए पॉलिटिकल, और वो बिना पॉलिटिकल में प्रेशर में आए अपना काम कर सकें। मतलब मैं पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत प्रोमिनेंटली एक चीज बोलूंगी, लेकिन इसकी ज्यादा जरूरत है इस वक्त सिस्टम में, सिस्टम को ठीक करना है जो ग्राउंड लेवल पे है। ठीक है अनुराग सर, आपकी तारीफ, आपके इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर जो आपके एफर्ट्स हैं उसकी तारीफ खुद फॉर्मर डीजीपी कर रहे हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद किसका फेलियर आपको लगता है इसमें? देखिए, फेलियर से ज़्यादा समाज की संरचना को मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ मीता जी से भी, शैलेंद्र सर से भी और नेहा जी से भी, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये जो जो मैंने संसद के आंकड़े बताए थे जो 2019 से 2021 तक के थे, उसमें 68% जो गुमशुदा हुए थे लोग, उसमें महिलाओं की तादाद 68% थी। और NHFS 5 का अगर आप सर्वे देखेंगी तो उसमें ये पाया गया था कि मात्र 9% महिलाएं, अगर वो किसी दूसरे जेंडर से अगर वो हिंसा का शिकार हैं, तो मात्र 9% महिलाएं हैं जो इस मामले को पुलिस तक लेकर आती हैं। तो कई सारे पहलू हैं कि अगर आप हिंसा का शिकार हुए हैं तब आप घर छोड़कर जा रहे हैं, आप किसी और तरीके की एक जबानी हिंसा भी होती है, एक शारीरिक हिंसा भी होती है, तो कई सारे ऐसे मसले हैं। और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही एक गुथा हुआ मामला है जिसको सिर्फ सरकारों को या पुलिस को ब्लेम करके या उन पर आरोप लगाकर नहीं देखा जा सकता। कोई घर छोड़कर जा रहा है तो उसकी कई वजह हैं, हर बार उसकी आपराधिक वजह नहीं होती है। कई बार जिस समाज में हम रहते हैं, जो उसका सामाजिक ताना बाना है, उसको लेकर भी ये एक बड़ी बात सामने आती है। तो चूंकि शैलेंद्र सर काफी एक उस तरह के पुलिस में रहे हैं जहां पर पुलिस और जनता को एक सरोकार के तौर पर देखा जाता है, तो मैं उनसे ये जानना चाह रहा हूं कि अपने पुलिसिंग करियर में, और कई सारे मेरा मानना है कि नए पुलिस अधिकारी आज भी उनके संपर्क में होंगे, तो इसका हल क्या है सर? अगर बहुत सारी महिलाएं जो पुलिस थानों में नहीं आ पाती हैं, एक टैबू है, एक स्टिग्मा है, और बहुत सारी ऐसी बातें उससे जुड़ी हुई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इन मामलों को, बहुत सारे मामले तो वैसे ही कम हो जाएंगे जब इस तरह की भ्रांतियां दूर होंगी, क्योंकि पुलिस स्टेशन में आकर आसानी से अपनी बात रख सकती है, तो बतौर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आप इसको कैसे देखते हैं? पूछा है आपने, हम इसीलिए पहली चीज जो जिससे मिलता है पुलिस के वाले में, एक रिसर्च है डॉक्टर कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये एक रिसर्च थी कि जो व्यक्ति पुलिस के संपर्क में आता है उसके जेहन में पुलिस के प्रति बेहतर इमेज होती है इन कंपैरिजन टू वन जो कभी पुलिस के संपर्क में नहीं आते हैं। तो एक जो पुलिस के बारे में कुछ, तो जो हमारी हिंदी मूवी है कि पुलिस वाले को शक्ति कपूर और रंजीत, दे आर गुड पीपल, लेकिन उनको जो रोल पिक्चर में मिलता है वो बड़ा नेगेटिव होता है, पान खाते हैं, कई रेपिस्ट होते हैं और रेप के मुलजिम के साथ बैठते हैं, उसके साथ शाम में ड्रिंक करते हैं, और फिर कई किस तरीके से, लेकिन कई अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं, पुलिस की इमेज है बहुत सारी, सिनेमा में कई अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं, इस वजह से एक इमेज खराब है। हम लोगों ने एक मध्य प्रदेश में विशेष तौर से कम्युनिटी पुलिसिंग लेकर आए और हम पुलिस के पास पब्लिक के पास जाना शुरू किए, उसी क्रम में एक जनसुनवाई हुई और बाल मित्र थाने भी खोले कि बच्चों को थाना दिखाएं कि वो कैसे हैं। कई जगह एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिलने के होते हैं, मिलते हैं कि किसी बच्चे को एक दिन के लिए थानेदार की सीट पर बैठा दिया, उसने थानेदार बन के पूरा थाना देखा। ये प्रयास और करना चाहिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, एक ऐसा माहौल और बनाना चाहिए। नए जो कानून आए हैं अभी तीनों,
उनमें ये व्यवस्था दी गई है कि ईमेल के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप पुलिस से संपर्क करिए और एफआईआर होगा। हमें देखना है, इसके एक सकारात्मक रुख है, इसके लिए एक सकारात्मक विचार है, मुझे लगता है इसके परिणाम भी अच्छे आएंगे और जरूर इन कानून से एक जो पुलिस के पास जाने का फियर है तो वो इंटरफेस इलेक्ट्रॉनिक मीन से होगा, तो जाना नहीं पड़ेगा अगर वो फियर है तो। और मेरे ख्याल से तुरंत तुरंत एक स्पीड भी होती है, समय भी नहीं होता कि रात में थाने में गए संतरी मिला कोई नहीं मिला, आप ईमेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक मीन से एफआईआर दर्ज करने की जो व्यवस्था लाई गई है, पहले ऐसी नहीं थी, पहले साइंड डॉक्यूमेंट होता था, उसको साइन करना पड़ते थे या अंगूठा लगाना पड़ता था, अब उसकी व्यवस्था खत्म हो गई, आपके ईमेल से व्हाट्सएप से हो जाएगा। मुझे लगता है अब कोई वर्किंग तो हो ही नहीं पाएगी क्योंकि वो तो रिकॉर्ड में ईमेल चढ़ जाएगा। अभी तो लोग कहते हैं थाने गए और भगा दिया, जैसा मीता मैडम ने बोला थाने में व्यवहार अच्छा नहीं होता है और हवलदार सीनियर ऑफिसर के पास जाओ तो व्यवहार अच्छा होता है सीनियर, तो अब वो समस्या खत्म हो जाएगी क्योंकि हवलदार के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, सीधे एफआईआर हो जाएगा ईमेल के माध्यम से। थैंक यू अनुराग जी। बिल्कुल, तो मेरा यही सवाल नेहा जी से भी था और जो हमारी और जी जी सर जी प्लीज कंटिन्यू। आप जी नहीं 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 ठीक है दीपिका, आप कुछ कह रही थी, मैं आप सबसे यही जानना चाह रहा था कि आप लोगों ने भी क्या अपने पार्टी के मंच पर या दफ्तर में क्या इस तरह की बातें कभी महसूस की हैं कि पुलिस थाने मत जाना, अगर कोई ऐसी आपकी शिकायत भी है तो मन में ऐसी कोई भ्रांति रहती है? दीपिका मेरा ये सवाल आपसे खुद भी था। जी सर, सर क्योंकि देखिए हर स्टेट का एक, नहीं कह रहा हूं कि मेरा सवाल आपसे था कि कहीं आप, हाँ बिल्कुल जी, अलग एक कल्चर रहता है और फिलहाल दिल्ली में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में तो सीधा अगर आपको कुछ भी अगर असहज महसूस होता है तो आप तुरंत जाके रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं, यहाँ पे तो खैर ऐसा नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये मामले जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रॉब्लम तो है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होगा यही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी नेहा जी, नेहा बग्गा जी आप सुन पा रही हैं? सुन पा रही हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, तो यही मूल अंतर है कि हम लोग कौन सी सिचुएशन को किस तरीके से लेते हैं, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया है, चाहे कम्युनिटी पुलिसिंग हो, चाहे हम देखते हैं कि डीजीपी साहब की अलग जन सुनवाई होती है, आईजी साहब की अलग जन सुनवाई है, थानों में अलग जन सुनवाई चलती है, कलेक्ट्रेट में अलग जन सुनवाई होती है, ये सिर्फ इको फ्रेंडली सिस्टम बनाने के लिए ही है। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि हम लोग सामाजिक क्षेत्र में है, कई बार बहुत से ऐसे केसेस आते हैं कि पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बच्चा गायब हो गया है, उसके पीछे जो समस्याएं निकल कर आती हैं बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक फैमिली ने आकर मुझे कहा कि मैं, हमारी बच्ची जो है वो 3 दिन से मिल नहीं रही है, हम उसके हॉस्टल गए, वहां पर पता किया, उसने लेटर छोड़ा हुआ था। बाद में वो स्टोरी कुछ और निकल के आई, वो लड़की एक लड़की के अंदर इंटरेस्टेड थी और वो उसे लाइफ पार्टनर बनाना चाहती थी, अल्टीमेटली वो सब मिल गया, सिस्टम ने ट्रेस किया। पर मुझे लगता है कि बहुत से कारण उसके पीछे निकल कर आते हैं और उनको जानना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे कांग्रेस की, सॉरी नेहा जी मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूं क्योंकि समय का अभाव है। रोशनी जी सिर्फ आधे मिनट में आप अपना वाइंड कमेंट दीजिए, क्या इसका समाधान आपको नजर आता है? देखिए मुद्दा बहुत बड़ा है, इसके लिए आधा मिनट क्या पूरा समय भी निकल जाएगा तो भी ये चर्चा जो है पूरी नहीं हो पाएगी। मैं बस, चूंकि मेरे तमाम पुलिस अधिकारी प्रशासन भी जुड़ा हुआ है, मैं आपको अंदरूनी बात ये जरूर बताना चाहूंगी क्योंकि मैं भी एक बुंदेलखंड तबके से बिलोंग करती हूँ। जब महिलाएं अपनी FIR दर्ज कराना चाहती हूँ, अभी आपने नया कानून बनाया, बहुत ही मुझे लगता है उससे मदद मिलेगी, लेकिन एक ताजा आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगी, उस पर थोड़ा सा आप स्टडी जरूर करिएगा कि उज्जैन में 34 महीनों में एक भी मामला रजिस्टर्ड नहीं होता है, जहां 675 मामले गुमशुदगी के महिलाओं के सामने निकल कर आते। अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार अगर जो है इनको दबाएगी तो मुझे लगता है कि जो एक उम्मीद प्रशासन और सरकार से रखी जाती है वो इरादे हमें नाकाम उम्मीद करते हैं। आप तो सूबे के मुख्यमंत्री उज्जैन से ही आते हैं मीता जी, बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं जी। बदतमीजी रोशनी जी, मैं आपको माफी के साथ रुकना चाहूँ क्योंकि समय हमें हमारे पास नहीं है। मीता जी, क्योंकि देखिए बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं पुलिसिंग सिस्टम में, एक इको फ्रेंडली माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, और क्या बदलाव होने चाहिए आपके मुताबिक?
स्पेशली मैं ये महिलाओं के लिए नहीं, मैं जनरली सभी के लिए बोलूंगी, जब गुमशुदगी का है केस तो उसमें उसके बाद उसको सोल्यूशन में उसको मिल जाता है तो उसको काउंसलिंग कराइए, वो उसको आप पीपल फ्रेंडली तो बना दीजिए एक बार। एक महिला पिछले 15 दिन से आज भोपाल में यहाँ से वहां घूम रही है, हम कोशिश कर रहे हैं उसको पुलिस के पास ले जाने के लिए, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रही है। तो आप देखिए ये रिजर्वेशन क्यों है, ये रिजर्वेशन सिर्फ इसीलिए है कि जो लोअर लेवल पे जो एंट्री लेवल पे स्टाफ काम करता है उनको ट्रेन, उनको अवेयर, उनको सिस्टम के उस सिस्टम को चेंज करना जरूरी है। जो सीनियर लेवल पे होते हैं उन लोग वाकई बहुत हेल्प करते हैं और कहीं ना कहीं हमें एस्केलेट करके आईपीएस लेवल पे जाना पड़ता है, हेल्प मिलती है हमें, लेकिन कितने लोग हैं जिनके पहचान के आईपीएस होते हैं, वाकई बहुत हेल्प मिलती है, लेकिन हमें एक ऐसा सोल्यूशन बनाना चाहिए। काउंसलिंग सेल है हमारे पास जी। उसको एक्टिवेट करना जरूरी है, सारे सॉल्यूशंस को सामने लाना जरूरी है, उसके जरिए किस तरीके जी, से जी। जो इंसान घर से भाग गया वो कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो जब वापस आता है तो ठीक है अनुराग सर जी आप बताइए, सही तरीके से पहुंचाना जरूरी ओके मैम, तब तो कंफर्ट लेवल आएगा जी। दीपिक जी सर, दीपिका जाते जाते बस एक बात हमारे सहयोगी ने अभी हमें बताया था कि कोविड से कुछ दिनों पहले ही जो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान है उसके साथ पुलिस हेडक्वार्टर ने एक करार साइन किया था और उसके उस पर अमल में लाया जाना था, तो शायद ये गुमशुदगी का आंकड़ा थोड़ा कम हो सकता था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आया है ये फिलहाल हम भी इस बारे में पता करेंगे, और ये एक बेहद गंभीर मामला है अगर ऐसा नहीं तो। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद ही संवेदनशील मामला है, उम्मीद करते हैं कि इस समस्या का जल्दी समाधान हो। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।